जो भी नतीजे जनता देगी, एक बात स्पष्ट है कि ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल्स देखकर जश्न मना रहे थे, एग्जैक्ट पोल्स देखने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाना प्रारंभ नहीं करेंगे। 2008 में, 2009 में हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं थी। अब 2024 आते आते हरियाणा में दो बार हमारी सरकार बन चुकी है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जहां पर 2008 में हम कहीं नहीं थे, आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करने वाले हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों का भीतर लोगों ने विश्वास जताने का काम किया है। देखिए, बहुत ही खुशी के साथ मैं समझती हूँ लोकतंत्र के इस महापर्व का, हरियाणा विधानसभा चुनाव का आज मतगणना है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दिया है, हमें उम्मीद है यहाँ से थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीतेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल जो आए हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा फेवर में है कांग्रेस के, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। जब काउंटिंग अब शुरू होगी उसके बाद से ये पता चलेगा, और भी उससे ज़्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। झज्जर की जनता ने बहुत आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है, हमने विपक्ष में भी उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम किया, और अब उनको तो ये पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने, हमने विपक्ष के अंदर और बाहर जो संघर्ष किया, उससे जनता को ये उम्मीद भी है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा में विकास के कार्य होंगे। शानदार परिणामों की प्रतीक्षा है। दोपहर बाद तय हो जाएगा कि सरकार बन रही है। लोगों ने शानदार जो है चुनाव लड़ा है, और जितना शानदार चुनाव लड़ा है उतनी शानदार जीत की जो है प्रतीक्षा है। दावा तो सब करेंगे जो जो मैदान में है, परिणाम आने तक सबके दावे चलेंगे, लेकिन परिणाम बताएंगे कि किसका दावा सत्य निकलता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जब उनका अनुभव नई ऊंचाइयां हासिल करता है तो स्वाभाविक है आपको खुशी होती है। मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।